उत्तराखंड में मानव वन्य जीवन संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है। खटीमा जिले में पत्ते लेने गए युवक को हाथी ने कुचल दिया और युवक की मौत हो गई। खबर उत्तराखंड के खटीमा जिले से है, जहां मानव वन्य जीव संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज दिन कभी महिलाएं तो कभी पुरुष जंगली जानवरों का शिकार हो रहे हैं। ग्राम नोगावा नाथ के निवासी मदन राम रोज की भांति जंगल में पत्ते लेने गए थे, जिसे हाथी ने दर्दनाक तरीके से कुचल कर मार डाला। मामला प्रकाश में आते ही ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। खटीमा के अंतर्गत किलपुर वन रेंज में हाथी के हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। SDO संचिता वर्मा ने बताया कि किलपुर वन रेंज के प्लॉट संख्या 3 और 4 में जंगल के 200 मीटर अंदर मदन राम का शव बरामद किया गया। वन विभाग द्वारा लोगों को एडवाइजरी जारी की गई है कि इस समय जंगल में ना जाएं। इस समय कोहरे के कारण वन्य जीव झाड़ियों में छिपे रहते हैं, जो दिखाई नहीं देते और इस तरह के हादसे सामने आते हैं। अभी तक के जितने भी इंसिडेंट हुए हैं, ये ज्यादातर ऐसे हैं जो वन क्षेत्र में बिल्कुल हमसे लगे हुए इलाके हैं, और बार बार हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा है, मुनादी भी हमारे द्वारा क्षेत्रों में कराई दी जा रही है कि आजकल जो दिन है काफी कोहरा इत्यादि बहुत लगा हुआ है, आगे जो विजिबिलिटी है वो बिल्कुल भी बहुत कम है, तो आप बहुत अर्ली मॉर्निंग या बिल्कुल शाम को इवनिंग के समय में वन क्षेत्र के ऊपर ना जाए। लेकिन फिर भी इस प्रकार की घटनाएं हो जा रही हैं, लेकिन भविष्य में भी हमारे प्रयास जारी रहेंगे कि हम लोगों को सचेत करें कि इस समय थोड़ा रुक करके थोड़ा धूप आने के उपरांत भी अपने घरों से इस प्रकार की चीजें दोनों परिवारों को, जो हमारा कल वाला इंसिडेंट हुआ था उसमें भी और आज वाले केस में भी, हम इनको आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने पर अभी इसकी व्यवस्था कर रहे हैं, और तुरंत जैसे ही हमको आर्थिक सहायता के लिए धनराशि उपलब्ध हो जाती है, इनके परिवार वालों को इनके चेक सौंप दिए जाएंगे। सर, ये हमें पता लगा गांव वालों के जरिए, पता लगा गांव वाले गए थे ना जंगल, उनके जरिए पता लगा। फिर हम लोगों ने फिर रात में वेट भी किया, 6 बजे तक नहीं आए हो। फिर उसके बाद मॉर्निंग में छानबीन करी गाँव वालों को लेके इकट्ठा करके, मॉर्निंग में मिली 11 बजे। सुबह 7 बजे के टाइम पे गए हम, देखा मौके पे मिली लाया डेड बॉडी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।